हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, पंजाब सरकार ने जैसे ही पंजाब में स्कूल्स को ओपन करने का फैसला लिया ना, तो उसी समय ये अंदाजा हो रहा था कि ये फैसला कुछ जल्दबाजी का फैसला है। जी हाँ दोस्तों, अभी उसके कुछ रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये जो रिजल्ट है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, गलत रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। तो क्या है पूरी खबर, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है, पंजाब के स्कूलों फिर कहर ढाउन लगा करोना, 8 विद्यार्थियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, ये एक खबर प्रकाशित की गई है जगबाणी न्यूज़पेपर में और वो भी कल की न्यूज है ये। तो क्या है पूरी खबर, अब हम वो भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लुधियाना पंजाब च कोरोना की दूजी लहर तो बाद स्कूल मुड़ खुले, कोरोना वायरस कह टाउन लगा है। लुधियाना के एक स्कूल विच 8 विद्यार्थियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिस तो बाद मापे ते बच्चियां दे विच डर दा माहौल पैदा हो गया है। लुधियाना के बस्ती जोधेवाल सरकारी स्कूल के 8 विद्यार्थियों को कोरोना हो गया है। तो दोस्तों, ये तो एक खबर निकल के आ रही है, इसके अलावा भी एक जो अपडेट है ना वो निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, पढ़ाई में है डाउट तो सोल्यूशन है डाउट नट। आपको सिर्फ करना क्या है, फोटो खींचनी है, क्रॉप करना, वो वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी अदर बोर्ड से रिलेटेड हो। इसी के साथ ही क्लास 6 to 12 तक के IIT JEE मेंस के जो सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस है वो भी आपको मिल जाएंगी इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। सो अब इंस्टॉल कीजिएगा डाउट नट एप्लीकेशन को। ये एक और खबर आई, बड़ी खबर, लुधियाना च 12 और स्कूली बच्चों नु होया कोरोना, DC वालों स्कूल बंद करने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, लुधियाना में जो है फिर से जो कोरोना का कहर है ना वो बच्चों पे टूटना शुरू हो चुका है। तो अब हम पूरी खबर ये भी जान लेते हैं, लुधियाना के बस्ती जोधेवाल स्थित सरकारी स्कूल के 8 बच्चों के कोरोना पीड़ित पाए जाने तो बाद हुण कैलाश नगर स्थित सरकारी प्रायमरी स्कूलों के 12 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो दोस्तों, अब देखना यही होगा कि पंजाब सरकार का जो जल्दबाजी में फैसला लिया गया था कि स्कूल्स को एकदम से ही ओपन कर दिया जाए, वो अब कब तक लागू रहेगा। क्योंकि दोस्तों, पहले जो है वो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन तो ऑनलाइन चल ही रही थी। बाकी अब आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि क्या ये जो फैसला लिया गया था स्कूल्स को ओपन करने का, क्या वो सही था या फिर नहीं।